गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं उल्सूर लेक। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे उल्सूर लेक के बाहर ही आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगा रोड साइड पे ही, जहाँ पे आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसी है ये लेक और आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पे ये है उल्सूर लेक की मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही आपको एक पॉन्ड दिख जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कबूतर भी थे। तो अगर आपको कबूतरों को दाना वगैरह डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड साथ में ये है बहुत ही बड़ा पॉन्ड। यहाँ पे पॉन्ड साइड पे बाउंड्री लगाई गई है फॉर अ सेफ्टी पर्पस, जो कि काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे दोनों साइड लेक के साइड पे आपको भी ये बाउंड्री दिख जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे। ये लेक की टाइमिंग रहती है ये मॉर्निंग 5 बजे से लेके 10 बजे तक, एंड इवनिंग में 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ओपन रहता है, और बीच दोपहर में ये लेक बंद रहती है। एंड यहाँ पे लेक के बीच में एक छोटा सा रास्ता बनाया था, जिससे आप दूसरी तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपको वोटिंग मिल जाएगा। काफी ज्यादा रिस्की था ये वाला रास्ता। उल्सूर लेक बेंगलोर में MG रोड के पास हलासूर इलाके में स्थित है। एंड ये लेक बेंगलोर की सबसे बड़ी लेक में से एक है। इसे हलासुरु लेक के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये 123 एकड़ में फैली हुई है, और इसमें 3 किलोमीटर की तटरेखा के पास कई छोटे छोटे आपको द्वीप भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री से अब हम चलते हैं राइट साइड पे। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड दिख जाएगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी है एंड साथ में पार्क टाइमिंग मेंशन किया गया है। अगर आप प्रकृति को करीब से देखना चाहते हो और उसका आनंद लेना चाहते हो, तो आपको उल्सूर लेक को जरूर देखना चाहिए। एक्सरसाइज एंड वॉकिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आकर आप प्राकृतिक शांति का आनंद ले सकते हैं। अगर आप बोटिंग, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी का असली आनंद चाहते हो, तो यकीनन आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। वैसे तो बेंगलोर शहर में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई सारी लेक्स हैं। और ये देखिए इस लेक का व्यू कितना ही सुंदर लग रहा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इस लेक के अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी मिल जाएंगे, जो कि इस लेक को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और साथ में यहाँ पे ये है वॉकिंग ट्रैक, यहाँ पे आप साइकिलिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज कर सकते हो। इस एरिया में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लेकों में से ये उल्सूर लेक हरे भरे वातावरण के साथ एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। ये लेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो अगर आप थक गए तो यहाँ पे आपको आराम करने के लिए भी स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पर आप बैठ के आराम करने के साथ साथ इस प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो जब भी कभी आप यहाँ आए तो खुद ही आप इसकी सुंदरता का अनुभव कर सकते हो। उल्सूर लेक के पास ये वॉकिंग ट्रैक, जो कि लोगों को एक सुंदर वातावरण में हेल्दी रहने का मौका देती है। और ये जो ट्रैक है वो झील के चारों ओर चलता है, और जिससे आप इस सुंदरता का लाभ उठा सकते हो। जब आप वॉकिंग करते हो तो यहाँ पे आप झील की शांतिपूर्ण, जो शांत माहौल है, उसका आनंद ले सकते हो, जो कि आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये जो लेक है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। इसके आसपास के जो पेड़ पौधे और लेक के चारों ओर की शांति है, वो आपका मन मोह लेगी। उल्सूर लेक के किनारे पर सैर करना या बैठकर रेस्ट करना एक अलग ही अनुभव होता है। लेक के अंदर ही आपको आराम करने के लिए भी फैसिलिटी मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा बेंच लगे हैं, शेडलर हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के कुछ देर आराम भी कर सकते हो।
लेक के अंदर ही आपको बैठने के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा। उल्सूर लेक के अंदर ही यहाँ पर आपको एक खुली हवा में जिम मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक सुंदर वातावरण में एक्सरसाइज करने का मजा ले सकते हो। यहाँ पर लोग अपनी हेल्थ को बनाए रखे और एक अच्छी हेल्थ के लिए अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस जिम में एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और अन्य फिटनेस एक्टिविटी भी की जा सकती है, तो आप इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे एक्सरसाइज की, कुछ एक्टिविटी की। एंड लेक में यहाँ पे एक ओपन में ही प्लेग्राउंड एरिया बनाया था जहाँ पे बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्पेस था, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफी ज्यादा स्पेस है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सब एक्टिविटीज बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कहीं अलसूर के पास हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अलसूर लेक है, बहुत ही लंबी है, जॉगिंग के लिए अच्छी है, रनिंग के लिए अच्छी है, ओपन जिम है इसमें तो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही अच्छी है। हेल्दी रहने के लिए इसमें आके जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए और लेक का नज़ारा लीजिए, बहुत ही अच्छी है, प्लस पॉइंट ही है। और यहाँ पे बच्चों के लिए छोटा सा प्ले स्टेशन भी है जहाँ पे बच्चे खूब मस्ती कर सकते हैं। बेंगलोर का बहुत ही अच्छा है, और साथ में इसके बगल में गुरुद्वारा भी है, अगर कोई नॉर्थ इंडियन है तो उधर भी जा सकता है।
लेक के एक साइड पे आपको वॉकिंग ट्रैक एंड ओपन जिम मिल जाएगा, तो लेक के दूसरी साइड आपको बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड मिल जाएगा जहां पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ एक्टिविटीज वगैरह रखी गई है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है वो। तो ये है स्पेशली बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बनाया गया है जिसमें काफी ज्यादा एक्टिविटीज हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हो कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और काफी ज्यादा भरा है, यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। लंबी लेक है, हम तो बहुत ही ज्यादा थक गए। बैठने के लिए बीच बीच में बना रखा है, एक छोटा सा बच्चों के लिए पार्क भी है, वो भी अच्छा था। ओपन जिम भी अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आ गए बाहर, एंड यहाँ बाहर आपको खाने पीने के लिए छोटे छोटे स्टॉल भी मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो आप यहाँ पे खा पी भी सकते हो। होपफुली आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।